जय श्री राम दोस्तों, कैसा सब तुम्हें करता, सब बढ़िया होंगे और बढ़े ही रहना। एक नए वीडियो की शुरुआत होगी है। मेरा नाम है रेत कपलवान, मैं जो रेत प्लान करके लिए ब्लॉग बनाता हूँ और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सैंड से। और नज़ारा देख सकते हो आप आज का। कल रात बारिश आने के कारण मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, चारों तरफ हरा भरा हो रखा है। सैंड का नज़ारा देख सकते हो आप। सो गाइस, काफ़ी दिन से बारिश नहीं हो रही थी और कल काफ़ी अच्छी वाली बारिश हुई है। और बारिश यहाँ तो अच्छी हुई है पर ऊपर केदार घाटी में फिर से एक बार बादल फटा है और आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। और ये बादल फटा है केदार घाटी के लिचोली कोई जगह है वहाँ पे, और जो तप्त कुंड था वो भी वहाँ पे बह गया है। और सुबह मैं खबर पढ़ रहा था तो वहाँ पे 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 लोग अभी भी लापता हैं। खबर और भी थी कि वहाँ पे एक जो लॉज है वो बह गया है पर उसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई, वो बहा है कि नहीं बहा है उसका कोई पुष्टि नहीं हो पाया। और आप देख सकते हो रात वहाँ पे होटलों को खाली कर दिया गया था। सारे अभी सेक्टर ऑफिस में घुस चुके हैं। एक बार फिर से लिंचोली में बादल फट चुका है। भगवान भोलेनाथ सबकी रक्षा करे और आगे से ऐसा ना हो और वहाँ पे फिर से एक बार अच्छा सा मौसम हो जाए और अच्छे से सभी रहे। भगवान सबकी रक्षा करे और जो वहाँ पे लोग मर गए हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और अपने चरणों में जगह दें, यही भगवान शिव से प्रार्थना है। और जो भी भक्तजन अभी केदारनाथ आने की सोच रहे हैं, कृपया अभी 2-4 दिन थोड़ा पहाड़ी इलाकों में ना आएं और आप जहाँ हैं वहीं सुरक्षित रहें, क्योंकि आजकल पहाड़ी इलाकों में बारिश ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए आप जहाँ हैं वहीं रहें, यही आपके लिए अच्छा होगा। सो गाइस, तो कल बारिश ज़्यादा हुई और हमारे जो जिलाधिकारी साहब हैं उन्होंने आज की छुट्टी दे दी थी और आज छुट्टी का हम थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं और करते हैं ग्राउंड को थोड़ा बहुत साफ। और यहाँ पे भाई लोग लगे हुए हैं, तो आयनी पर मंकू भाई और आयुष भाई यहाँ पे लगे हुए हैं झाड़ी काटने पे, और एक भाई क्रिश भाई वहाँ पे थोड़ा ये जो रंबाण है इसको उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे यहाँ चालू बेटा, तो करते हैं जितना हो सकता हमसे, हम साफ़ करेंगे इसको आज, क्योंकि यहाँ पे बोल काफ़ी खो रही है इसलिए इसको आज थोड़ा बहुत हम साफ कर लेते हैं। सो गाइस, काफ़ी टाइम बीत गया है और यहाँ पे एक कांटा हमने अभी साफ कर दिया है और कुछ झाड़ी यहाँ के ऊपर की हमने कुछ साफ कर दिए हैं और थोड़ा बहुत यहाँ पे रह गया है, इसको भी साफ करते हैं और देखते हैं कितना हो पाता है। अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं हमारे पास, लगभग 1 घंटा अभी और हम यहाँ पर रहेंगे और सफाई करेंगे। तो फिलहाल थोड़ा बहुत हमने कर दिया है जितना हो पाया है और अभी भी लगे हुए हैं भाई लोग यहाँ पे, ये कर ही रहे हैं, कुछ भाई वहाँ लगे हुए हैं। और ये है हमारा ग्राउंड। और एक बात, एक इम्पोर्टेंट बात आप सभी से मुझे करनी थी, वो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हम यहाँ पे टूर्नामेंट कराने की सोच रहे हैं और इसमें आप सभी की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है और हमें सुझाव दें कि हम यहाँ पे टूर्नामेंट करा सकते हैं या नहीं। यहाँ पे टूर्नामेंट पहले भी हुआ था पर इस बार हम अभी काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि टूर्नामेंट कराने की सोच रहे हैं, क्या यहाँ पे टूर्नामेंट हो सकता है या हम कर सकते हैं। आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सुझाव ज़रूर दें
हमें टूर्नामेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं सुझाव इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो हम साथी हैं वो बहुत कम है और ज़्यादातर साथी हमारे ऐसे हैं कि जो अभी स्कूल पढ़ते हैं और उनको जो सुबह के मैच होंगे उसमें वो नहीं रहेंगे और शाम के मैच में वो थोड़ा बहुत योगदान दे देंगे हमें, पर सुबह के टाइम पर वो योगदान नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो स्कूल में रहेंगे। तो इसीलिए आप सबकी राय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दें। और जो भी कार्यक्रम, जो भी बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें बड़ों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और आप सभी का सहयोग और आप सभी की भागीदारी हमारे साथ बनी रहे और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ बनाए रखेंगे और ज़रूर हमें सपोर्ट करेंगे। तो इस कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि हम यहां पे टूर्नामेंट करा सकते हैं या नहीं। सो गाइस, हमने सोचा था कि बारिश के चलते आज धूप नहीं होगी, पर धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आप देख सकते हो अभी धूप काफ़ी लगी हुई है, तो देखते हैं थोड़ा बहुत करते हैं साफ। अभी भाई लोग लगे हुए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है लगे हुए हैं हम सब, देखते हैं कितना साफ हो पाता है।